तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। शुरू शुरू में लोग नेपाली में बात करते थे ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं। बाद में इनको समझ में आया कि मुझे सब समझ में आ रहा है अब। वो मेरा ठूलो दीदी ले उसको मामा से तब दिया करे को, तो स्ट्रगलिंग डेज में वो ते ही रहते को झोल गुंद्रू को झोल और भात खाना ही पड़ता यार। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई न्युज फिल्मको यो अर्को एपिसोडमा। म स्पृष्टि छु र न्युज फिल्मको टिम यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको छौँ र यति बेला चाहिँ वीरगन्जमा हुन लागेको गोल्डन फिल्म फेस्टिभल कार्तिक जुन चाहिँ कार्तिक 21, 22 र 23 हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ मुम्बईबाट चाहिँ निरुता सिंह लगायत गोविन्दाजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू एउटै फ्लाइटमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी पाएका छौँ हामीले। र उहाँहरूकै यो म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एकदम भिआइपी म्यानेजमेन्ट गरिएको छ। यहाँ चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र निर्माता सङ्घ मिलेर चाहिँ यसरी उहाँहरूको लागि चाहिँ अलरेडी गाडीहरू रेडी गर्नुभएको छ र उहाँहरू अबको केही क्षणमा नै आउँदै हुनुहुन्छ। र गोविन्दाजीले चाहिँ यो गोल्डन फिल्म फेस्टिभल जुन वीरगन्जमा हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ अलमोस्ट 7.5 मिनटको पर्फर्मेन्स पनि दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र अब भोलि चाहिँ अब आज उहाँहरू ल्यान्ड भए पछाडि भोलि चाहिँ केही सेलिब्रिटीहरू र केही पत्रकारहरू चाहिँ वीरगन्ज प्रस्थान हुने सेड्युल राखिएको छ भने अबको केही क्षणमा नै निरुताजीसँगै गोविन्दाजी र उहाँको श्रीमती पनि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सूचना पाएको छु। र उहाँको श्रीमती चाहिँ यही नेपालबाटै काठमाडौँबाटै नेवार समुदायलाई चाहिँ उहाँ बिलङ गर्नुहुन्छ र उहाँको श्रीमती पनि उहाँसँगै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। र त्यही भएर होला सायद गोविन्दाजीले चाहिँ नेपालको युवतीहरूलाई चाहिँ साली भनेर बोलाउनुहुन्छ र नेपाललाई चाहिँ उहाँले ससुराली भन्ने गर्नुभएको छ पक्कै पनि। र अबको केही क्षणमा हामी गोविन्दाजीलाई वेलकम गर्नको लागि अलरेडी हाम्रो मिडियाको साथीहरू पनि अलरेडी रेडी हुनुहुन्छ र हामी पनि गियर अप गर्दैछौँ। र अबको केही क्षणमा हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ कसरी गोविन्दाजी निरुताजी सँगै आउँदै हुनुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला न्युज फिल्मी। आप नेपाली में पूछ सकते हो, मैं नेपाल की हूँ। मैंने हर वर्ष आँचु यहाँ पशुपति पूजा दिन रहे फिर भरे भरे सब आँच तेको लगी नभरे को पूजा गुप्त राख् पर्च ना हमीर। हाँ लास्ट इयर आई आए थे ना अभी इसी लिए होइन 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 मेरो आमा साखुको 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 सिकाएको छु अलिअलि बुझ्छ भने अलिअलि बुझ्छ। नमस्कार प्रणाम। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आकाश अधिकारी जी का। आज नेपाल फिल्म एसोसिएशन की तरफ से हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और सुनीता यहाँ पर पूजा प्रार्थना के लिए सदैव आया करते हैं, परंतु ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि फिल्म लाइन की तरफ से मुझे निमंत्रण मिला और मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। ये जो प्रेम और ये सम्मान और ये स्नेह वर्षानुवर्ष मुझे यहाँ पर मिला है वो तो साथ ही है और ये कृपा सदैव रहे, आप लोगों का प्रेम सदैव रहे और माई का ऐसा ही आशीर्वाद रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। इस आपकी वीर भूमि से प्रणाम करता हूँ, यहाँ के जितने वृद्ध हैं आप सभी से प्रणाम करता हूँ और जो यहाँ के जो लोग वर्षानुवर्ष मेरी फिल्में देखते आए हैं, मेरे फैंस ख़ास तौर पे जितने फैंस हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत प्रेम और सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल और सी यू ऑल दिस फंक्शन। ये 53rd गोल्डन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है नेपाल हो रहा है नेपाल का, और मैं चाह रहा हूँ कि जितने फैंस हैं और जो चाह रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि नेपाल में इस तरह से फिल्म लाइन की तरफ से जो ये कार्यक्रम होते हैं ये और हो और बाहर से लोग आएँ और मिलें, आपस में अपने काम करें और समझें, और ये प्रेम प्रथा जो है ये फिल्म लाइन से सदैव रही है ये रहा करे, और इसमें जो जो काम अच्छा कर सकते हैं यहाँ से आर्टिस्ट वहाँ और वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आया करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। खास तौर पे आप जो है ये कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द डेफिनेटली गोविंद सर the superstar in Bollywood, and then Sunita Didi, definitely. Thank you. There is Niruta Singh, definitely.
So producer association, I'm the president, everybody knows. So we like to really, really heartily welcome to all of you. Thank you, Adarsh. Day after tomorrow, we are flying to Birganj. We have our festival in Birganj from 21st of Kartik in Nepali date. Kartik Gate, Nepali date. Okay. So we are starting first opening ceremonies that day, and second and third, 3 days we are running for there. It means November 6, 7, 8 and 9. 7, 8 and 9 is there. So Govinda sir will be there. Definitely, you guys can have enjoy and you can see the superstar Govinda. And definitely, I like to say, MC Govinda. And me, asa lagta ki mala welcome to mala. Hello. Nepali bhera party pura garde chalo. What a drastic change. Elare Govinda elare. Elare ala. Elare ala Govinda ala. Elare. उहाँहरूसँग भेट भएको थिएन, फर्स्ट टाइम भेट भइरहेछ। मिलेगी तो डेफिनेटली करूँगा। नहीं, हैव यू सीन एनी नेपाली फिल्म? दे आस्किंग। हाँ, आई कैन, आई हैव सीन, बट नॉट इन, नॉट फुल्ली। मैं मेरा भी पिक्चर पूरा नहीं देखता हूँ। सीन टू सीन, सीन टू सीन। तो सुन्न न, आज चाहिँ आकाश सर र तपाई लग एउटै कलेजमा पढ्नु भएको छ फिल्म मेकिङको, हैन? यो कति सम्म सत्य हो, के हो, अलिकति भनिदिनु होला ब्रीफमा। सम्म त एउटै कलेज थियो, एउटै क्लास थियो। सर इज भेरी सिनियर, भेरी सिनियर। जब मधुमती आंटी जी बोल रही थी, जब मैं एक बार गया था, वो बोले थे गोविंदा सर ने भी यहाँ पे काम किया, एक्टिंग किए थे। तो त्यतिखेर धेरै सिनियर हुनुहुन्छ उहाँ, हामीहरू धेरै जुनियर हो, तर क्लास चाहिँ जुहु मधुमती। उहाँको त यति धेरै गीत छ, अब कुन चाहिँ गीत गाउँ म? हजुरको मैं तो भेलपुरी खा रहा था, रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वेरी नाइस। कति बेला त आयो, कति भन्ने के? ऊ मेरो मेरो ठुलो दिदीले उसको मामासित बिहा गरेको, स्ट्रगलिङ डेजमा ऊ त्यहीँ रहन्थ्यो, तर त्यहाँ जाँदा आउँदा जाँदा आउँदा मैले हातै समातेर माया गरिदिएँ। अहिलेसम्म छोडेको छैन। यस्तो हुन्छ नेपाली छोरी। अरे यहाँ आके तो मेरे मुँह की बोलती बंद है। गुन्द्रुकको झोल, गुन्द्रुकको झोल और भात खानै पर्छ यार। उहाँलाई भेटेँ, मैले पहिलोचोटि भेटेँ जस्तै लागेन। दिदी त झन् अब एकदम घरकै दिदी, मलाई त्यस्तै भयो। उहाँ त अब उहाँको त त्यसै पनि फ्यान, र भेटेपछि झन् यस्तो डाउन टु अर्थ, यति धेरै नाम गरेको बडी, उहाँलाई नचिनेको छ होला होइन? उहाँको त पहिलादेखिको फ्यान, तर पनि यति डाउन टु अर्थ, कति राम्रो, कस्तो आर्टिस्ट, पक्का आर्टिस्ट। धेरै दर्शकले भोलिको फेस्टिभलमा चाहिँ गोविन्द सर तपाईँको गीत सुन्न चाहन्छ, के के छ त्यो लिस्टिङमा तपाईँले तयार गर्नु भएको छ पब्लिकको लागि चाहिँ? व्हाट हैव यू परफॉर्मेंस के लिए ना? नहीं, आप क्या क्या गाना गाओगे आप जब आप फंक्शन में जाओगे? कुछ आपने डिसाइड किया कि क्या करेंगे आप 8-7 तारीख को? आप लोग जो कहिए सरप्राइज है। आई नो, यू सरप्राइज आपने तो आईले भन दिया, मैंने सरप्राइज तो गयो। आप ही नचा रही हैं वर्षानुवर्ष। मुझे जो यहाँ अच्छा लगता है। नहीं, आप यहाँ से लास्ट ईयर गए थे ना, तो ही इज आस्किंग आपको बॉम्बे में आपको कितने लोग ने पूछा नेपाल के बारे में, कैसा लगा आपको? सदैव पूछा करते हैं ना उन लोग। अच्छा, ये चैनल के ऊपर जितने टाइम इवेंट होता है, शोज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, खास तौर पे जो
मुझे यहाँ पे जो अब जैसे जैसे डांस के ग्रुप्स हैं वो सब हर जगह के आ जाते हैं, परंतु जो यहाँ का है वो मुझे, मैं उस वक्त था जिस वक्त वो जीत रहे थे और वो नंबर वन पोजीशन पे आए उधर, वो बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट आए, बहुत से हीरो आए, हीरोइन आए, और अच्छा लगेगा, राइटर्स आए, डायरेक्टर्स आए। अब ये रिश्ता, ये संबंध जो है ये और गाढ़ा हो रिश्ता, ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। What sentence? मैं तपाईं के धेरै माया गर्छु। तपाईं सबैले नेपालीहरूलाई माया गर्छु। नेपालीहरूलाई सबै नेपालीले आज बाइट त उनले नेपालीमा दियो। तिमीले बाइट पठाएको नेपालीमा गरेको बाइट। यस। सुरु सुरुमा इनले नेपालीमा बात करते थे ना? तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या कह रहे हैं, बाद में इनको समझ में आया कि मुझे सब समझ में आ रहा है अब। अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्रेम मिला है, बहुत प्रेम मिला है। अब तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। और सबसे अच्छा ये जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये लगता है कि यहाँ का प्रेम हिलता नहीं है, वाह स्थायी है। सबैजनालाई म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। म जुन बिमार भएको थिएँ तपाईँहरू सबैजनाले यति धेरै मलाई माया गर्नुभयो। जुन चाहिँ मेरो फिल्म रिलिज भयो म आउन पाइनँ, म कति चाहन्थेँ, कति वर्षको ग्यापमा मैले गरेको फिल्म थियो, तर पनि म आएर तपाईँहरूको अगाडि सबै मैले अब त्यो फिल्मको मैले के भने त्यो इन्जोय नै गर्न पाइनँ त्यो मोमेन्ट म बिमार भएर। तर तपाईँले यति धेरै माया गर्नुभयो मलाई, मेरो स्वास्थ्यको लाभको लागि तपाईँले मेसेज पठाउनु भयो, मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरूले मलाई यति धेरै माया दिनुभयो। तपाईँहरू तपाईँहरूको मार्फत मेरो दर्शक मलाई माया गर्नुहुने, मेरो फ्यानहरू लगायत तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैं ये सच कह दूं कि मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए नहीं आया हूँ, परंतु आप लोग कहेंगे तो डांस होगा, गाना होगा, विल एंजॉय, विल हैव अ ग्रेट टाइम। लॉट्स ऑफ फैंस आर वेटिंग फॉर द सुपरस्टार गोविंदा, डेफिनेटली यू गाइस आर एंजॉयिंग दैट डे इज 7th ऑफ नवंबर। तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो एक्ज्याक्टली? गोविन्द सर आइसक्नु भयो, अब डे आफ्टर टुमोरो बलिउडको सबैभन्दा टप क्यामराम्यान सिके मुरलीधरन आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जस्तै मुन्ना भाइ, एमबिबिएस, होइन, फिके, तारे जमी पे, धेरै फिल्म उहाँले गर्नुभएको छ, हि इज अल्सो कमिङ, एन्ड उहाँले 4 आवरको कम्प्लिट क्लास दिने हुनुहुन्छ। लट अफ सिनेमाटोग्राफरहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ। यो चाहिँ 8 तारिकको 22 गते 8 बजीबाट 12 बजीसम्म उहाँको क्लास हुन्छ, त्यसको लागि सबैलाई मैले वेलकम पनि भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामी बिहान 7 तारिकको बिहान 8 बजीबाट झाँकी निकाल्दैछौँ, विभिन्न कला संस्कृतिका झाँकी निस्किन्छन्, त्यो गएर हामी जब रङ्गशालामा पुग्छौँ एन्ड देन राष्ट्रपतिज्यूको अराइभल, हाम्रो 12:15 राष्ट्रपतिज्यूको अराइभल छ, एन्ड देन बी सिटेड इज द अराउन्ड द हाम्रो चाहिँ 11:45 वी हेभ टु बी सिटेड द्याट, एन्ड देन राष्ट्रपतिज्यू आइसकेपछि हामी सबैजना त्यहाँ बस्छौँ अनि हाम्रो इनोग्रेसन त्यहाँ चाहिँ उद्घाटन समारोह सिद्धिन्छ। त्यो सकिएपछि फेरि समबडी इज गोइङ टु द रेस्ट, अनि त्यसपछि आएर त्यहाँ हामीले एउटा सर्ट फिल्महरू सो गरिरहेछौँ। इभिनिङ 7, 8, 9 तिनै दिन इभिनिङ 5 to 8 इज इन्टरटेनमेन्ट। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क। No, we'll go to Pashupati Temple. Yes, we have to. Tomorrow we'll go. We'll plan it out, but tomorrow we'll go. Yeah, we have to plan. Yeah, I'll go to Pashupati Jani Parsa Pala. Okay.